इस कहानी में दिखाया जाता है कि जब एक लड़के को सुपर पावर्स मिलती हैं तो उसकी पावर होती है कि वो जो खुद फील करेगा वही दूसरों को भी फील करा सकता है। क्या वह लड़का अपने इस पावर को सही से इस्तेमाल कर पाएगा, यह जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। तो कहानी के शुरू होती है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और वह यहाँ पर एक कब्र के पास होता है। वह यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहा था और यह सब करते समय ही इसे एक जोर का झटका लगता है जिससे यह दूर जाकर गिरता है। जब वह वापस उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका रिचुअल पूरा हो चुका है, उसे पावर्स मिल चुके हैं। अब सीन चेंज होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर कैली को दिखाया जाता है। दरअसल कैली को एक अजीब बीमारी होती है। यह उसकी बीमारी होती है कि वह कागज वगैरह खाया करता था। अब वो यहाँ पर शॉपिंग करने आया हुआ होता है। यहाँ पर उसे उसके क्लासमेट मिल जाते हैं तो यहाँ पर कैली को बुली करने लगते हैं और तभी यहाँ पर कैली की एक बचपन की जिसका नाम डोमिनी होता है वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आती है। वो उन लड़कों को रोकती है। अब इससे वो लड़के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कैली को उठाकर सीधे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं और तभी उस शॉप की ओनर बाहर आती है और उन लड़कों को यहाँ से भगा देती है। अब कैली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनी काफ़ी परेशान होती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की फ्रेंड सारा ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि कैली अभी अभी कचरे के अंदर था और वो अपनी गाड़ी में कचरा नहीं चाहती थी। अब इसके बाद जब कैली स्कूल में पहुँचता है तो उन लड़कियों को उसे कचरे में डालने की वीडियो वायरल हो चुकी थी। यहाँ पर हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। अब इसके बाद कैली जब अपने घर पर पहुँचता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। यहाँ पर कैली अपनी माँ से कहता है आज मेरी डोमिनी से बात हुई, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम्हें डोमिनी को डेट के लिए पूछना चाहिए। और शायद डोमिनी भी कैली को लाइक करती थी। अब इसके बाद हमें उस कब्र को दिखाया जाता है जहाँ पर उस बूढ़े को पावर मिली थी। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ था और इस आदमी का नाम है रेडल। दरअसल वो सभी शक्तियाँ इसके पूर्वजों की थी। इसका काम उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। दूसरी तरफ हमें कैली को दिखाया जाता है जिसके कागज खाने की आदत के चलते वो बीमार पड़ने लगा था। यहाँ पर उसकी माँ ने एक डॉक्टर को बुलाया होता है। वो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि शायद इसे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी आदमी नहीं है, इसलिए शायद कैली ऐसी हरकत कर रहा है। अब दरअसल ये डॉक्टर कैली की माँ को काफ़ी पसंद किया करता था और इसी को लेकर कैली अपनी माँ को काफ़ी चिढ़ाता है। दूसरी तरफ हमें उसी बूढ़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा था कि मेरे अंदर काफ़ी सारी पावर्स है, मैं तुम सभी को फील कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ठीक ठाक से चल नहीं सकती थी, उसके पैर में काफ़ी दर्द रहता है। वो फ्लूगर के पास आती है और वो बूढ़ा आदमी उसका सभी दर्द खींच लेता है। सभी लोग उस बूढ़े की तारीफ़ करने लग जाते हैं। यहाँ पर कैली की माँ ये सब देख रही थी, यह सोचने लगती है कि शायद फ्लूगर कैली की हेल्प कर सकता है और इसलिए वह उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेंडल भी नोटिस कर लेता है और वो उस बूढ़े के पास आकर उससे कहता है ये जो तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स हैं ये तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स मेरे पूर्वजों की है। लेकिन फ्लूगर कहता है कि मुझे इस पावर से काफ़ी मज़ा आ रहा है और ये पावर्स मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। और इसके बाद वह कैली के घर पे आ जाता है और यहाँ पर आकर कैली को जैसे ही हाथ लगाता है उसका सारा दर्द उसे महसूस होने लगता है। वो जब यहाँ पर कैली को फिर से टच करता है तब उसे अचानक से दर्द होने लग जाता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। अब फ्लूगर की डेथ के बाद से कैली को अचानक से अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि अब फ्लूगर की सभी पावर्स कैली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन जब कैली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जख्म खुद से ही भर जाता है। अब यहाँ पर कैली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स आ चुकी हैं। अब कैली की मदर अपनी नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है लेकिन उसे काफ़ी थकान महसूस हो रहा था। अब यहाँ पर कैली उसे हग करता है तो वैसे ही उसकी एनर्जी उसकी माँ के अंदर भी आ जाती हैं और अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद कैली टाउन में आता है और वो यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड्स कैली से मिलते हैं। यहाँ पर डोमिनी कैली की एनर्जी देखकर कहती है कि तुम तो काफ़ी अलग लग रहे हो। डोमिनी कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने उसके बारे में सुना, और तभी पीछे से रॉकी आ जाता है और वह इसे यहाँ पर फिर से बुली करने लगता है। वो एक पंच कैली के पेट पर मारता है लेकिन इससे कैली पर कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। यानी कि अब अगर कोई भी कैली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो खुद ही हर्ट हो जाएगा। इससे रॉकी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कैली के फेस पर हिट करता है लेकिन फिर से उसकी मारी चोट उसे वापस लग जाती है। अब कैली को जब यह सब देखने को मिलता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो रिड से कहता है कि भाई जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे मार सकते हो। अब रॉकी यहाँ से भाग करके घर जाता है। घर जाते वक्त कैली एक जॉब की वैकेंसी देखता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है।
वो आज रात काफ़ी खुश होता है। वो सारी चीज़ें अपनी माँ से कहता है। अब इसके बाद यहाँ पर रॉकी अपने फादर को लेकर के पहुँच जाता है। यहाँ पर उसके फादर कैली की माँ से कहते हैं कि कैली ने मेरे बेटे रॉकी को मारा है। इस पर रॉकी का फादर कहता है कि हाँ मुझे पता है। इस पर कैली की माँ कहती है कि मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। जिस पर रॉकी का फादर कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन आज जो हुआ वो काफ़ी अजीब था। यहाँ पर कैली की माँ कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और रॉकी के फादर को घर से निकाल देती है। वो यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तुम्हें यही बात बताना तो चाहता था। वो अपने आप को पंच करने के लिए कहता है। उसकी मदर जब ऐसा करती है तो इसका दर्द उन्हें ही होता है। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए कि क्या तुम आग से खेल सकते हो और तुम्हारी और भी क्या क्या पावर्स हैं। अब कैली पर आग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन जब कैली स्कूल जाता है तब वो यहाँ पर डोमिनी का रबर बैंड पड़ा हुआ देखता है। वो यहाँ पर डोमिनी को देखकर सोचने लगता है कि वो उसके साथ है और इस सपने में डोमिनी के साथ उसकी फ्रेंड्स सारा भी होती है। जब वो ये सब फील कर रहा होता है तब डोमिनी और सारा भी ये सब क्लास में फील करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है यह दोनों समझ नहीं पाती लेकिन कैली यहाँ से भाग जाता है। अब रात में सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर डोमिनी का एक एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे पीछे से उठा लेता है। तब कैली उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात पर नेल्सन उससे कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब यहाँ पर नेल्सन कैली को मारने वाला होता है लेकिन यहाँ पर गस पहुँच जाता है और उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गस कैली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इस बारे में पता लगा लूँगा। अब पार्टी ख़त्म हो जाती है और कैली साइकिल पर अपने घर जा रहा होता है। अब यहाँ पर नेल्सन और उसके फ्रेंड्स भी उसे देख लेते हैं और वो उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर कैली अपना बैलेंस खो देता है और वो गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब इसके ऑपोजिट इफेक्ट के चलते जो गाड़ी चला रहा था उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यहाँ पर कैली को भी काफ़ी चोटें लग जाती हैं। अब यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड्स भी पहुँच जाती हैं। अब यहाँ पर कैली डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और कैली की माँ भी। और यहाँ पर जिस लड़की की डेथ हुई थी पुलिस उनसे पता करती है कि आखिर क्या हुआ है। वो यहाँ पर कैली पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कैली बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था और वो हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वो कैली के पास आता है। वो यहाँ पर उन्हें सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें रेडल को दिखाया जाता है जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आता है और यहाँ पर जो पौधे पड़े हुए थे उन पर रेडल जादू कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल में वो सभी लड़के कैली पर नज़र रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला लेना चाहता था। अब यहाँ पर कैली और डोमिनी एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर डोमिनी उससे कहती है कि एक नई मूवी आई है क्योंकि यहाँ पर डोमिनी सोचती है कि शायद कैली उसे डेट के लिए पूछेगा। यहाँ पर कैली पहले तो बात समझ नहीं पाता लेकिन लास्ट में वो उसे डेट के लिए पूछ लेता है और यहाँ पर डोमिनी भी हाँ कर देती है। कैली जहाँ पर काम करता है वहाँ पर रेडल उससे मिलने के लिए पहुँचता है। वो कैली से कहता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो और यहाँ पर कैली उससे सब कुछ सच बता देता है और यहाँ पर रेडल समझ जाता है कि कैली के अंदर फ्लूगर की पावर आ चुकी है। रात में जब कैली घर आता है तो उसकी माँ के सर में दर्द होता है इसलिए वो दवाई लेने के लिए निकल जाता है लेकिन बाहर नेल्सन और उसके फ्रेंड्स उसके घर पर नजर रख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कैली की माँ घर से बाहर गई है और कैली घर पर अकेला है। वो यहाँ पर उसके ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं और इससे उसका ट्रेलर नीचे गिर जाता है और ट्रेलर नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर गैस लीक हो जाता है। यहाँ पर कैली की माँ बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं पाती और उनसे एक लैंप नीचे गिर जाता है और इससे वहाँ पर आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है और कैली की माँ की जान चली जाती है। जब तक कैली यहाँ तक पहुँचता तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली जल चुका है इसलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कैली को कोई चोट नहीं आई। अब यहाँ पर शेरिफ से मिलने के लिए रेडल भी आ जाता है। वो यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि हमारे पूर्वजों की पावर अब कैली के अंदर आ चुकी है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब अगले सीन में हमें कैली की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए डोमिनी आई होती है। अब इसके बाद जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब कैली फ्लूगर की कब्र के पास जाता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे वो खा लेता है और इससे वो उल्टी करने लग जाता है। सारा दूर खड़ी होकर ये सारी चीज देख रही थी। अब कैली की माँ के जाने के बाद ऑफिसर उस हॉस्टल केयर में रखने वाले थे
रास्ते में ऑफिसर कैली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? और तभी रोड पर कैली नेल्सन और उसके फ्रेंड्स को देखता है। वो समझ जाता है कि यह सब उन्हीं ने किया है। वो यहाँ पर गाड़ी से कूद जाता है और यहाँ पर वो लोग जा रहे थे उनका पीछा करने लगता है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास जाते हैं। अब यहाँ पर आकर कैली इन्हें देख लेता है। वो इनका एक शर्ट लेता है और उसे अपने गले के चारों तरफ बांध लेता है। अब वो खुद को मारने लगता है, लेकिन जिस लड़के की वो शर्ट होती है उसका दम घुटने लगता है। वो पानी में डूबकर मारा जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। अब कैली बाहर आकर उनसे कहता है कि अब तुम तीन लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब कैली को ढूंढते हुए ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, इसलिए कैली यहां से भाग जाता है। अब नेल्सन ये बात सभी लोगों को बता देता है। अब डोमिनी इस बारे में कैली से बात करती है। डोमिनी को लगता है कि कैली कभी भी किसी को नहीं मार सकता। अब कैली डोमिनी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। डोमिनी कहती है कि तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो ऐसा नहीं चाहती। कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे वो ये बात खुद मान लेंगे। अब इस बात के लिए कैली मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है, तब यहाँ पर कैली पहुँच जाता है। वो सभी नेल्सन के फ्रेंड्स का मजाक उड़ाने लगता है। अब यहाँ पर उनका एक फ्रेंड कैली को मारने वाला होता है, लेकिन नेल्सन उसे रोक लेता है। इसलिए अब कैली उन्हें और उकसाता है। जब ये लोग केमिस्ट्री के लैब में होते हैं, तब नेल्सन का एक फ्रेंड एसिड को उसके फेस पर डाल देता है और इससे नेल्सन के फ्रेंड का फेस जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डोमिनिक कैली पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए कैली यहाँ से चला जाता है। अब रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड का बदला लेना है। अब क्योंकि उसे कैली के वीकनेस के बारे में पता था और वो ये सब नेल्सन को बता देती है। अब ये दोनों जाकर उन पत्तों को ले लेते हैं और उसका एक लिक्विड बनाकर उस गैस को कैन में भर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर ऑफिसर उन्हें वार्न करने के लिए आता है और यहाँ पर कैली भी पहुँच जाता है। उसके पास नेल्सन का एक ड्रिलिंग मशीन होता है। वो नेल्सन से कहता है कि जल्द से सबको बता दो कि तुमने क्या किया है। अब नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है, तब कैली खुद को ड्रिल करने लगता है और इसकी सारी चोट नेल्सन को आ जाती है। अब यहाँ पर डोमिनी भी पहुँच जाती है। अब यहाँ पर नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था इससे कैली को फ्रेशर करता है। इससे कैली की हालत खराब होने लगती है और मौके का फायदा उठाकर गस ऑफिसर की गन ले लेता है। अब यहाँ पर जब कैली ठीक हो रहा था, तो वो कैली को शूट कर देता है और इसकी वजह से एक ही समय पर गस और नेल्सन मारे जाते हैं। डोमिनी कैली से कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था। शेरिफ कैली से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी पावर्स की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में फिर से हेल्प कर सकता हूँ। अब कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है। अब ये सभी लोग रेडल के पास जाते हैं। वो यहाँ पर एक रिचुअल करने वाला था जिससे कि कैली की सभी पावर्स चली जाती हैं। यहाँ पर कैली को दर्द होने लगता है। रेडल कहता है कि कैली के पास पावर काफी लंबे समय से थी और इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। यह बात सुनकर डोमिनी कैली से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब सब लोग कैली से काफी डर जाते हैं, इसलिए शेरिफ का एक आदमी कैली को शूट कर देता है। अब यहाँ पर डोमिनी को भी गोली लग जाती है और वो मरते मरते कैली से कहती है कि तुम अपनी पावर्स कभी भी किसी को मत देना। अब कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है। शेरिफ ये देखकर उसके सर पर शूट करके उसे मार डालता है। शेरिफ रेडल से पता करता है कि क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, लेकिन रेडल कहता है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग कैली और डोमिनी के डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर डोमिनी उठ जाती है और अब कैली की पावर्स उसके अंदर आ चुकी थी और अब वो सबसे बदला लेने वाली थी। और अब इसी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। Thank you for watching.